लक्सर विकासखंड कार्यालय परिसर में भारतीय किसान यूनियन तोमर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विकासखंड परिसर में जमकर नारेबाजी की। कार्यालय प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि लक्सर विकासखंड कार्यालय रिश्वत का अड्डा बन चुका है। यहां पर केवल उन्हीं लोगों का काम होता है जो रिश्वत देकर अपना काम करवाते हैं। जो गरीब लोग यहाँ पर अपना काम को लेकर आते हैं, जिनके पास रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं है, उनको यहाँ पर काम उनका नहीं हो रहा है, बल्कि उन्हें चक्कर कटने जो है काटने पड़ते हैं, जिसे लेकर भारतीय किसान यूनियन तोमर की कार्यकर्ताओं ने कुछ दिन पूर्व यहां पर विकासखंड अधिकारी पवन सैनी से मुलाकात की थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जो ना भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट द्वारा जो है ना कुछ पेंशन के संबंध में जो है इन्होंने ज्ञापन दिया है, इस पर जाँच कराकर उचित कार्रवाई कराई जाएगी। आज का यहाँ पर प्रोग्राम जो था, वीडियो साहब से हमारी बात हुई थी, कुछ मुद्दे हैं हमारे, एक तो किसान पेंशन, एक वृद्धा पेंशन, एक विकलांग पेंशन और एक विधवा पेंशन। इन यहाँ से ये जो ऑनलाइन वाला सिस्टम है उसके चक्कर में इन्होंने रखा पब्लिक का, रोज़ पब्लिक यहाँ परेशान होती है, रोज़ आती है, रोज़ घर चली जाती है, ये बात नहीं करने को तैयार है। और जो 2 रुपये इन्हें देता है उसका काम सबसे पहले करते हैं, क्यों करते हैं, सरकार पैसा दे रही है ना, सरकार के पैसे से काम करो ना, ये पब्लिक के पैसे तो पूरा पड़ जाए।